जुमला बजट करार करते हैं। ये जुमला सरकार है और जुमला सरकार का ये आखिरी जुमला बजट है। हम चुनौती देते हैं बीजेपी को कि वो ये बताए कि 2014 में जो उसके चुनावी वायदे थे, उन वायदों के आधार पे अब 2019 में चुनाव लड़के दिखाए। 15 लाख का वायदा, स्वामीनाथन कमीशन का वायदा, 2 करोड़ रोजगार नौकरियों का वायदा, महंगाई को कम कराने का वायदा, इन वायदों के आधार पे बीजेपी, और ये बताए कि 5 साल के बजट, 5 साल के बजटों में कितना बजट इन वायदों को पूरा करने के लिए दिया गया, इनमें से किसी वायदे को। और जो हरियाणा में वायदे थे बीजेपी का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के वायदों के आधार पर लड़के दिखाए। हम उस बात की चुनौती देते हैं। 9,000 बेरोजगारी का भत्ता का वायदा था, जैसे 7,000-9,000। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये बजट जो है एक और जुमला सरकार की कार्यशैली में एक और जुमला बजट प्रदेश के लोगों के सामने इन्हें पेश किया। ये तो फैसला सरकार को करना है। तो सरकार बारी बारी कहती है कि शायद चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, ये तो वो सरकार अपना आकलन करके फैसला करेगी, मगर प्रदेश की जनता तैयार है। प्रदेश की जनता इस मौजूदा प्रदेश सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त है और वो चुनाव के इंतजार में है। इस चुनाव में अगर प्रदेश सरकार चुनाव विधानसभा का साथ करने का फैसला करती है, तो मैं समझता हूँ इस चुनाव में इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए प्रदेश की जनता जरूर तैयार है।